नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। तो बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से खबर आ रही है कि मंत्रिपरिषद की आज देखिए 7/11/2022 जो आज है, जो कल की डेट पड़ी है, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं कि 8/11/2022 यहाँ पर डेट पड़ी है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे डेट पड़ी है और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार विकास आयुक्त, बिहार अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग बिहार पटना निर्देशानुसार 8/11 मंगलवार यहाँ पे लिखा है को अपराह्न 4:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिव स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे डेट दे दी गई है कि मंत्रिपरिषद की आज 4:30 बजे से जो है वो बैठक होने जा रही है और इस बैठक में जो कुछ सकारात्मक पक्ष जो है, अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हमने अनुमान लगाया था कि इसे इसमें शिक्षा विभाग संबंधित और जो हमारी नियमावली 2022 है इस पर कुछ सकारात्मक पहलुओं पर मुहर लग सकती है। तो आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक पर नियमावली 2022 से संबंधित कुछ बातें हो सकती हैं, नियमावली 2022 पर मुहर लग सकती है। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है सचिवालय में 4:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में। तो देखिए लिखा है बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय और डेट यहाँ पर डाली गई है, राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार विकास आयुक्त, बिहार अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग और देख सकते हैं कि बिहार पटना और यहाँ पे डेट जो है वो पड़ी हुई है, देख सकते हैं। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्री, मुख्य उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सभी मंत्रीगण यहाँ पे मौजूद रहेंगे और सभी के समकक्ष जो है ये बैठक होने जा रही है, आहूत होने जा रही है। तो इस बैठक में कुछ इस प्रकार के फैसले लिए जाने के आसार हैं, 7वें चरण से संबंधित, नियमावली से संबंधित। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये कि कुछ ना कुछ सकारात्मक देखने को आज मिल सकता है क्योंकि आज मंगलवार और इस पे कुछ सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद और आसार हैं। तो हमारी निगाहें टिकी रहेंगी और जैसे ही मंत्रिमंडल बैठक का कुछ फैसला आएगा हम सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी उम्मीद है कि भाई नियमावली 2022 पे मुहर लगे और नियमावली जल्द से जल्द जारी हो जाए और उसके बाद ही देखते हैं क्या कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।